दोस्तों, इत्तेफाक कहें या कोइंसिडेंसेस, ये तो हमेशा कभी ना कभी किसी भी इंसान के साथ हो सकते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं जिनके ऊपर यकीन कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, बल्कि मैं तो कहूँ कि नामुमकिन सा हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सबसे हैरान कर देने वाले कोइंसिडेंस दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर एक, कॉफी के ऊपर क्रीम से कारीगरी। आप सबने कई बार देखी होगी, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी कई वीडियोज में उनके चर्चे हैं, लेकिन क्या आपने कभी चाय पर कोई डिजाइन बनते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। पर आज हम आपको चाय के ऊपर बनी कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली डिजाइन्स दिखाएंगे जिसे देखने के बाद भी आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो गया। असल में दोस्तों, ये डिजाइन बुलबुलों से बनकर चाय के सरफेस पर अपने आप बन गया था, और जैसा कि आप देखकर ही समझ गए होंगे कि ये डिजाइन किसी और चीज का नहीं बल्कि हमारे भारत का नक्शा था, जो कि बिल्कुल सटीक तरीके से इन बुलबुलों के ऊपर बना हुआ था। अब दोस्तों, ये सच में काफी ज्यादा हैरानी की बात है, जो कि इतना परफेक्ट हमारे भारत का नक्शा भैया शायद कोई डिजाइनर अपने हाथों से न बना पाए जितना अच्छा ये बन गया। नंबर दो, आजकल मार्केट में कुत्तों को ट्रेन करने के लिए एक से बढ़कर एक सुविधा मौजूद है, लेकिन अगर आपका कुत्ता भी इतना वर्ल्ड क्लास तेज तड़ाक है कि उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती, तो आखिर उनके सामने ये प्रोडक्ट्स क्या चीज हैं? ऐसा ही कुछ हुआ जब अपने कुत्ते की चबाने की आदत छुड़वाने के लिए एक आदमी ने नो चियो स्प्रे लगाया, और बदले में उसके कुत्ते ने उसकी बोतल को ही चबा लिया जिसमें ये स्प्रे मौजूद था। अब आप ही बताइए भला, उस कुत्ते की चबाने की आदत आखिर कौन छुड़वा सकता है? नंबर तीन, आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम मिलना तो बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन क्या ऐसा किसी इंद्रधनुष के बारे में आप कह सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, आखिर किसी दुकान पर इंद्रधनुष थोड़ी मिलता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो चुका है, यानी एक ऐसा स्टोर है जिसका नाम रेनबो है, और प्रकृति ने भी ऐसा इत्तेफाक बनाया है कि असली रेनबो भी उसके स्टोर के बिल्कुल पीछे से निकलता हुआ पूरे आसमान में छा गया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस रेनबो का ओरिजिन वो रेनबो नाम का स्टोरी है, और ऐसा लग रहा था कि ये उस दुकान के ऊपर ही बना हुआ है। सच में यार, ये कमाल का कोइंसिडेंस था। नंबर चार, ये तय करते वक्त कि उनकी शादी में किस किस फोटो को स्लाइड शो में दिखाना है, एक एंगेज्ड कपल के साथ एक ऐसी चीज होती है जिससे ना सिर्फ उन्हें बल्कि सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरानी कर दी। दोस्तों, होता यह है कि लड़की के द्वारा एक ऐसी फोटो दी जाती है जिसमें वो बचपन में डिज्नीलैंड में घूमने गई होती है। जब ये तस्वीर उसके हस्बैंड के हाथ लगती है तो वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि फोटो के बैकग्राउंड में जो छोटा बच्चा अपने पिता के साथ मौजूद होता है वो कोई और नहीं बल्कि वही उसका हस्बैंड होता है। सच में यार, ताज्जुब की बात है दोस्तों, है कि नहीं? बिल्कुल, ये कपल एक बार पहले भी एक साथ एक जगह पर मौजूद थे, लेकिन इन दोनों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और ना ही आगे होता अगर तस्वीर में ये मोमेंट कैद ना हुआ होता। मानना पड़ेगा, कभी कभी भगवान भी ना कमाल करते थे। नंबर पांच, दोस्तों जरा सोचिए, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं और वहां पर सबने आपकी तरह कपड़े पहन रखे हैं, आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, आपको बहुत ही अजीब लगेगा, और कहीं ना कहीं आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे। और ठीक ऐसा ही कुछ हुआ इस रेस्टोरेंट में, जब यहाँ आने वाले सभी पेयर्स ने एक ही कलर के कपड़े पहन रखे थे, जिनमें से कि एक की ड्रेस रेड और दूसरे की ड्रेस ग्रीन थी। यही नहीं, साथ में इनका सीटिंग अरेंजमेंट भी काफी ज्यादा सिमिलर था, जिसमें एक तरफ बैठे हुए सारे लोग रेड कलर की ड्रेस पहने हुए थे और दूसरी तरफ बैठे हुए सारे लोग ग्रीन कलर की ड्रेस पहने हुए थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पहले से प्लान किया गया हो, पर ये पूरी तरह से महज एक कोइंसिडेंस था। नंबर छह, दोस्तों ये घटना है 2001 की, जब 10 साल की लॉरा बक्सन, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली थी, उन्होंने एक गोल्डन कलर का हीलियम बलून रिलीज किया और उसके जरिए ये मैसेज भेजा कि उसे कोई फ्रेंड रिटर्न में मैसेज करेगा। वो गुब्बारा उड़ते हुए 140 मील की दूरी तय करता हुआ मिल्टन लिबर्न में लैंड कर गया। 10 दिन के इंतजार के बाद लॉरा को एक रिप्लाई मिला जो कि 10 साल की लड़की का था, और हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की का नाम भी लॉरा बक्सटन था। इन दोनों में और भी बहुत सारी सिमिलरिटीज थी, दोनों की आंखें नीली थी और बाल ब्राउन कलर के थे, यहाँ तक कि उन दोनों की हाइट भी सेम थी, जो कि उनकी उम्र की लड़कियों के मुकाबले औसतन ज्यादा थी। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलने आए तो इन्होंने एक ही कलर की ड्रेस भी पहन रखी थी, यहाँ तक कि उनकी हेयर स्टाइल भी बिल्कुल सेम थी, और दोनों ही अपने साथ अपने पालतू गिनी पिग को लेकर आए थे जो कि एक ही कलर के थे। अब इतनी सारी सिमिलैरिटीज हमें एक ही इंसान के साथ मिले, वो भी रैंडमली, तो जाहिर सी बात है कि हम इसे कोइंसिडेंस ही कहेंगे। नंबर सात, जानवरों और इंसानों की दोस्ती हमेशा से ही इसके कई नमूने पेश होते रहे हैं। दोस्तों, आपने बेलुगा व्हेल के बारे में तो शायद सुना ही होगा, ये उन मछलियों में से एक है जो कि इंसानों के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है। इनकी दोस्ती की झलक हमें एक वीडियो के वायरल होने के कारण देखने को मिली, जब कुछ लड़कियां समुद्र के किनारे घूम रही होती है और तभी एक बेलुगा व्हेल वहां पर आ जाती है, लेकिन उससे मिलने जुलने के दौरान ही उनमें से एक लड़की का फोन पानी में गिर जाता है, जिसको वापस पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन तभी बेलुगा व्हेल ने अपनी दोस्ती निभाते हुए पानी में जाकर वो फोन ढूंढकर उस लड़की को वापस दे। ये मानना पड़ेगा कि सच में व्हेल काफी ज्यादा समझदार थी। नंबर आठ, प्रेडिक्शंस।
प्रेडिक्शंस पर तो हम शायद ही ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको सच में चौंका देगी। दोस्तों, पिछले 2-3 सालों में हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला कोरोना वायरस हम सबकी जिंदगियों में एक कहर बनकर टूटा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में पहले से ही प्रेडिक्शन कर दी गई थी? असल में स्लाइविया ब्राउन नाम की एक महिला, उसने अपनी किताब में एंड ऑफ डेज में साफ साफ लिखा था कि 2020 के आसपास एक निमोनिया जैसी बीमारी आएगी जिसका इलाज किसी के पास नहीं होगा और वो कब किस तरह खत्म होगी इसका भी पता नहीं चलेगा। अब ऐसी बातें प्रेडिक्ट करना, वो भी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी से, जाहिर सी बात है कोइंसिडेंस ही हो सकता है। नंबर 9, कहते हैं कई बार भगवान हमें अलग अलग रूप में आकर दुर्घटनाओं से बचा लेते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ इस आदमी के साथ। जब रोड पर आ रहे शख्स ने पता नहीं क्या सोचकर इस आदमी के कंधों पर हाथ रख दिया और वहां से चलता बना, जिससे वो आदमी चौकन्ना होगा पर पीछे से आ रहे खतरे को उसके लिए अवॉइड करना मुमकिन हो पाया, वरना उसके साथ वहां पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन आज ये भी पता चला कि आखिर उस रोड पर आ रहे शख्स को पहले से ये कैसे पता था इस आदमी के साथ कोई घटना घट सकती, पता ही नहीं चला। क्या सच में ये कोई भगवान का फरिश्ता था? आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 10, अगर आपने कोई मिल गया मूवी देखी है तो आपने शायद वो सारे इत्तेफाक भी देखे होंगे जो कि बास्केटबॉल मैच के दौरान रोहित और उसकी टीम के साथ घटित होते हैं। जब वो जादू को अपने साथ मैच में ले आते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें कहीं ना कहीं प्लान्ड है, लेकिन यहाँ तो इस बच्चे के साथ कोई जादू जैसी शक्ति भी नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं कैसे इसकी बॉल निशाने वाले बास्केटबॉल में न जाकर बगल वाली बास्केट में जा गिरी। हालांकि बास्केट तो बास्केट होती है, और जो भी हो, इस शॉट से वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। नंबर 11, आपने एक से बढ़कर एक झूमर मटक जाता है और फिर वापस उसके सर के पास ही आकर गिर जाता है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद दुल्हन ही सबसे ज्यादा लकी है। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी कभी ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि सच में भगवान ने ये सब प्लान करके रखा होता है, वरना ऐसा होना सच में नामुमकिन सा है। वैसे इनमें से कौन से इत्तेफाक ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, और क्या आपके साथ भी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ है, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस तरह की मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस को रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।